पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप किसी कुएं में खड़े हो। अरे हजूर वाह, ताज बोलिए वाले हमारे। यहाँ भारतीयों ने 1893 में अपना झंडा गाड़ दिया था। शायद ना इसके मुंह से पानी निकलता है मैडम जी के। ये अजीब से कपड़े पहने हुआ आदमी आ गया, ये क्या बोलेगा? ऐसा लगता है कि अभी कोई गौडजिला निकल आएगा। इंडिया ढूंढने की जगह वो यहाँ आ गया, उसे लगा के कह रहे कपड़े भी उतार के वापसी भेजेंगे। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूँ आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा, स्वागत है आपका अमेरिका के शिकागो शहर में। अमेरिका का शिकागो शहर जो है वो तीसरा बड़ा शहर है अमेरिका का, आफ्टर न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, और फिर तीसरे नंबर पे आता है शिकागो। और ये आबादी के हिसाब से बड़ा है। और इस वक्त हम हैं डाउनटाउन में, और मेरे साथ हैं भाई जो कि पिछले 10 साल से शिकागो में ही हैं, अपने भारत में गुजरात से हैं, और भाई हमें और आपको दिखा रहे हैं शिकागो डाउनटाउन। चलो देखते हैं शिकागो डाउनटाउन। तो यार डाउनटाउन की बात की जाए ना, तो सबसे पहले तो यार ये जो टावर्स है ना, स्काईलाइन, ओ हो कमाल की, मतलब देख के ऐसा लगता है यार क्या बना दिया इन्होंने। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हाई राइज स्काईस्कैपर्स, कमाल। और वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो है ट्रंप टावर। अभी हम परसों रात को भी यहाँ घूम रहे थे इसी जगह पे, ट्रंप टावर के आसपास। फिलहाल हम आए हैं द मोस्ट फेमस आइकन ऑफ शिकागो, द क्लाउड, द बीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो बीन जैसा है। इसके जो डिज़ाइनर हैं द क्लाउड के, वो हैं मिस्टर कपूर, मिस्टर अनीश कपूर नाम है उनका। भारतीय मूल के थे वो, लेकिन इंडिया में शायद बॉर्न ब्रॉट अप भी नहीं है, वो बॉर्न ब्रॉट अप इन यूके, और लेकिन है मिस्टर अनीश कपूर, वो ये कन्फर्म है। 2004 से 6 के बीच में इसको डिज़ाइन किया गया था, और आज जो शिकागो आता है वो यहाँ ज़रूर आता, अगर यहाँ नहीं आए तो समझो आप शिकागो नहीं आए, ये इतना फेमस हो चुका है। लो भाई, भाई कह रहे हैं इसको टच एंड फील कर लो, और देखो हम दिख रहे हैं इसमें। और यार बहुत से लोग पूछते हैं कि आप क्या यूज़ करते हो, तो फ़िलहाल मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ जो कि है सैमसंग S24 अल्ट्रा। ब्लॉगिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक देखो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इस दुकान का। पर हाँ यार डिज़ाइनिंग है कुछ, नीचे खड़े होके ऐसे मतलब इटर्नल लग रहा है अंदर, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी कुएं में खड़े हो। ऊपर देखोगे तो ऊपर ऐसे दिखता है कुआं है जैसे, और पूरा फील करने के लिए भाई खुद ही आना पड़ेगा। और यार देखो बिल्डिंग्स इधर से भी ऐसा ही है, इसमें ना रिफ्लेक्शन दिखता है, और जो रिफ्लेक्शन है ना वो बिल्डिंग्स का बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। प्लेन जाता हुआ है ना, तो प्लेन भी इसमें दिख रहा था रिफ्लेक्शन में। यहाँ पे खूबसूरत चीज़ बनाई कपूर साहब आपने। और ये है भाई मिलेनियम पार्क, और अंदर ना कोई कॉन्सर्ट चल रहा है और फ्लूट बजाई जा रही है, बांसुरी। देख रहे हो भारतीयों ने झंडे गाड़े हुए हैं, यहाँ पर फ्लूट बजाई जा रही है, और बहुत लोग, बहुत भीड़ है, पूरा कॉन्सर्ट भरा हुआ है। इस तरह से हो रहा है कॉन्सर्ट, और लोग इंजॉय कर रहे हैं हमारे इंडियन फ्लूट को। वो यार ये तो उस्ताद जी है शायद। अरे हजूर वाह, ताज बोलिए वाले हमारे, जाकिर हुसैन साहब हैं यार ये। कमाल हो गया यार, कहाँ पे आगे देखने को मिल रहा है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया।
लपेट दिया सबको, सारे बांसरे बुजरे सब चुप करा दी उस्ताद जी ने। हमें बढ़िया सी और यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है यार, और कमाल हो गया इतनी दूर आके शिकागो में, कभी हम इंडिया में नहीं देख पाए तो यहाँ पर उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का कंसर्ट देखने को मिल रहा है अपने को, और ये कंसर्ट बिल्कुल फ्री है पब्लिक के लिए। तो शाम को माहौल ऐसा ही रहता है यहाँ पे, इसीलिए हम शाम को आए थे। क्यों जी? हम जी भारत से हैं जी, और दिल्ली से, प्रॉपर दिल्ली से जी। आप? मैं गुड़गांव। गुड़गांव? चलो दिल्ली में ही हो गया अब तो, गुड़गांव NCR की बात है। तो घूमने आए हैं क्या? यहाँ रहते हैं? घूमने आए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो क्या सीखा? मेरा मनोज नाम है जी। एंजॉय किया कंसर्ट? कौन थे ये साहब? कौन थे ये? अरे भाई साहब क्या बात करते हैं, बता दो ना। अरे आप देख के तो आए हो। नहीं कौन थे ये? नहीं पता। चलो भाई नहीं पता साहब को, उस्ताद जाकिर हुसैन थे तबले पे। हाँ मेरे को यार उस्ताद जी का तो पता लग गया जाकिर हुसैन साहब का, क्योंकि इन्होंने वात आज बोली है ना जो बनाया था ना, अरे हजूर वात आज बोली है, तो वो हजूर वात आज बड़ा फेमस हुआ था ना भाई। तो या और बांसुरी वादक आप बता देना भाई कौन थे, और अब देखते हैं आगे। ये अपना प्राउड मोमेंट है देखने का। बिल्कुल भाई, भाई से ही कह रहे यार प्राउड मोमेंट है ये, एक तो हमें लाइव देखने को मिला ये तो बहुत अच्छी बात हुई, और देखो यार भारतीय लोग कैसे झंडा गाड़ रहे हैं कपूर साहब। और यहाँ पर अभी एक और जगह है जहाँ हम चलेंगे, जहाँ भारतीयों ने 1893 में अपना झंडा गाड़ दिया था। ये फाउंटेन भी बहुत ही फेमस है भाई, मिलेनियम पार्क का। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस जगह को, भाई ने बताया मेरे को, रहा बच्चे यहाँ नहाते रहते हैं शायद ना, इसके मुंह से पानी निकलता है मैडम जी के, कब निकलता है पता नहीं, मुस्कुराई तो है। तो ये एक नाम है जिन्होंने 1893 में भारत का झंडा यहाँ पर शिकागो में गाड़ दिया था, स्वामी विवेकानंद जी। तो ये मार्ग स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है, और शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने इस जगह पर, यहाँ पर ही जहाँ अब वो म्यूज़ियम बन चुका है शिकागो का, वहाँ पे धर्म संसद हुई थी 1893 में, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी आए थे, और उनके भाषण पे कहते हैं कि पहले ही दो वर्ड जो उन्होंने बोले थे, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो भाई कहते हैं कि 5 से 7 मिनट तक सिर्फ तालियां बजती रही थी, और उनकी दी गई स्पीच आज भी बेस्ट स्पीचों में है वर्ल्ड की, जो भी आज तक की बेस्ट स्पीच हुई हैं उसमें। तो ये भाई यहाँ पर फूड वाली ये होती हैं, थोड़ी सस्ती होती हैं, ठीक रहता है अब देखो, लेकिन अब सस्ता कुछ नहीं रहा, $9 का बर्गर मिल रहा है। दी आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, तो यही वो जगह है जहाँ 1893 में स्वामी विवेकानंद जी आए थे, और भाई इस बिल्डिंग को अब रेनोवेट कर दिया गया है, ऑब्वियसली इसको अब म्यूज़ियम बना दिया गया है, और तब ये एक कॉन्सर्ट या कुछ ऐसा हॉल टाइप था जहाँ पर 7,000 लोग बैठे हुए थे, और उन हजारों लोगों को लगा था कि धोती कुर्ता पहना हुआ आदमी आ गया, ये अजीब से कपड़े पहने हुआ आदमी आ गया, ये क्या बोलेगा। बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े देशों के जो अपने आप को बहुत बड़े टीचर्स समझते थे, वो टीचर्स वो बैठे हुए थे यहाँ पर, लेकिन जब विवेकानंद जी बोले, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच के कि क्या वो क्षण हुआ होगा उस वक्त। एक्चुअली यहाँ पर धर्म संसद हुई थी, तो उसमें आए थे विवेकानंद जी, और उन्होंने कहा था कि मुझे प्राउड है अपने धर्म पे, जो कि मदर ऑफ ऑल रिलीजन है, सनातन धर्म के बारे में उन्होंने कहा था, जो टॉलरेंस करना सिखाता है, और हम हर धर्म का आदर करते हैं, और पूरी दुनिया को एक होके एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, एक दूसरे से भाईचारा रखना चाहिए। तो उन्होंने 1893 में इस बात को फील किया था कि यार धर्म के ऊपर ना तो राजनीति होनी चाहिए, और ना ही धर्म की वजह से हमें झगड़े लड़ाई कुछ करनी चाहिए, और एक होके रहना चाहिए।
तो यस, हमें एक होके रहना चाहिए। यही वो जगह थी जहाँ पे भारतीयों ने 1893 में अपना झंडा गाड़ दिया था। और ये देखो रात को इन बिल्डिंग्स का नज़ारा, ऐसा लगता है कि अभी कोई गॉडजिला निकल आएगा यहाँ से। सेम ऐसी बिल्डिंगें तो होती हैं जो गॉडजिला एवेंजर्स वाली शूटिंग होती है। और शाम का एक एक खूबसूरत बेहतरीन नज़ारा फाउंटेन का, जो मिलेनियम पार्क के पास ही है। और शिकागो की चकाचौंध देखनी हो तो फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। लाइटिंग देख रहे हो कैसे दिखती है यार, खूबसूरत अद्भुत नज़ारा। और अगर आपको देखना है ये फाउंटेन तो बकिंगम नाम है इस फाउंटेन का, बकिंगम कहते हैं, बकिंगम पैलेस जो है ना रानी वाला, उसी के नाम पे ये फाउंटेन का नाम रखा गया है। और एक कांग्रेस होटल भी है यहाँ पर, कांग्रेस, ये इंडिया वाली कांग्रेस नहीं है भाई, कहीं यहाँ पर आ जाओ और यहाँ कोई नारे वगैरह लगा दो, ये वो कांग्रेस नहीं है, नाम कांग्रेस होटल है। यार ये बिल्डिंग है यार, बार 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 इन बिल्डिंगों को ही देखे जा रहा हूँ मैं तो। ये मेन एंट्रेंस है द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो की, और ये बहुत ही बड़ा एक म्यूज़ियम है, वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़ियम इन US और ओल्डेस्ट म्यूज़ियम इन US और वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़ियम इन वर्ल्ड भी है ये। अगर आपको कुछ अलग देखना है और म्यूज़ियम हिस्ट्री का आपको शौक है तो आप यहाँ आ सकते हैं। और अगर आप भी कभी शिकागो आ रहे हैं और इस प्राउड साइन बोर्ड को देखना चाहते हैं तो ये है बिल्कुल मिलेनियम पार्क के कॉर्नर पे। ये मिलेनियम पार्क के फाउंटेन से, ठीक है, और ये चौक, और इस चौक के कॉर्नर पे ये है। हेलो हेलो और ये सीधा रास्ता जाता है मेन एंट्रेंस को, जो द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो है उसकी। ये रिक्शे से भी चलते हैं भाई यहाँ पर, अगर आपको शौक है तो ये रिक्शे वाले ले जाते हैं, $50 से $60 लेते हैं 30 मिनट्स की राइड का। वैसे तो अमेरिका की जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन स्पैनिश भी बोली जाती है यहाँ पे, फ्रेंच भी बोली जाती है, सेकंड लैंग्वेज बन गई है स्पैनिश। या उसकी एक पुरानी वजह भी है, वो ये है कि 1492 में कोलंबस ने ढूंढा था ये अमेरिका, ठीक है। 1492 में जब कोलंबस यहाँ आया था, जाना तो उसको इंडिया था, इंडिया ढूंढने की जगह वो यहाँ आ गया, उसे लगा कि मैंने इंडिया को ढूंढ लिया है। और वो यहाँ पर जो पुराने यहाँ के जो मेन लोग हैं, जो मूल निवासी थे इस आइलैंड के, तो बोला कि ये रेड इंडियंस हैं, उसने नाम दिया था इनको रेड इंडियंस। ये सब लोग जानते हैं, ठीक है, कोलंबस की बात को, और ये जो अमेरिका की खोज कैसे की थी उसने। और हुआ क्या था कि कोलंबस आना चाहता था, उसने पहले पुर्तगालियों से मदद मांगी थी कि भाई मुझे ऐसे खोज करनी है, तो पुर्तगालियों ने उसको साथ नहीं दिया, उसको फाइनेंशियल मदद नहीं की, या जो भी उस समय में उसे मदद चाहिए थी नहीं दी। तो वो स्पेनिश लोगों के पास गया कि भाई, स्पेनिशों को कहा कि मैं ऐसे ऐसे खोज करना चाहता हूँ, मुझे पता है आइलैंड, जो भी उसने उस टाइम कहा होगा। तो स्पेनिशों ने उसकी मदद की उस वक्त, और वो स्पेनिश के पैसे से या उनकी मदद से यहाँ पर आया। जब खोज हुई तो फिर ऑब्वियसली स्पेनिशों को उसने बताया, फिर स्पेनिश लोग थे जो यहाँ पर आए, तो स्पेनिशों ने अपनी यहाँ पर कॉलोनी बना ली, फिर फ्रेंच लोगों को पता लगा, उन्होंने बना ली, फिर ब्रिटिशर्स को पता लगा, फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। मतलब ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट पे कब्जा रहा, स्पेनिश का, फ्रेंच का और ब्रिटिशर्स का। और ऐसे यहाँ पर जो भाषा है वो स्पेनिश आई, फिर इंग्लिश और फ्रेंच भी बोली जाती है कई जगह, तो मेन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, फिर शायद सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोली जाती है। और भाई ने बताया कि यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश हो गई है। तो हम वापसी आ गए हैं पार्किंग में, और कभी आप आ रहे हैं डाउनटाउन शिकागो तो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, और अकेले मत निकलना भाई। अगर अकेले हो ये तो ठीक है, जो मिशिगन एवेन्यू रोड है, लेकिन और कहीं गलियों वगैरह में मत जाना, साउथ साइड तो बिल्कुल मत जाना। मेरे को 2-3 लोगों ने बता दिया साउथ साइड की कहानियाँ, कह रहे सब कुछ, कह रहे कपड़े भी उतार के वापसी भेजेंगे। तो साउथ साइड बिल्कुल मत जाना, शिकागो आओ तो, ये ऐसा मेरे को जो भी हमारे भाई लोग यहाँ रह रहे हैं उन्होंने बताया, और सही बताया होगा भाई इन्होंने बताया, तो उधर नहीं जाना। और यहाँ पे भी कहीं भी हो तो थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस रखना, अकेले गलियों वलियों में कि नहीं, अंधेरी मत निकलना यार, ठीक है।
शिकागो बहुत ही फेमस है अपने डीप डिश पिज़्ज़ा के लिए, और अभी हम आए हैं जियर्डानोस रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही एक फेमस रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा के लिए, डाउनटाउन के अंदर है। आपको अगर आना है तो आप गूगल मैप के सहारे ही आ सकते हैं। भीड़ देख लो, ये सारी अंदर से ही आ रही है। एस्टैब्लिश्ड इन 1974, 50 ईयर्स हो गए हैं इनको। आए जी साहब, भोगी भाई नमस्ते। सॉरी, सर इट इज़ माई प्लेजर। नमस्ते माजामा। ये भाई रेस्टोरेंट, भाई हमारे बैठ गए हैं, कुछ आया समझ? तो ऑप्शन है वेज के, वही डीप डिश पिज़्ज़ा मंगाते हैं इनका जो फेमस है। तो द फेमस शिकागो पिज़्ज़ा आ चुका है, ये है डीप डिश पिज़्ज़ा शिकागो का फेमस, और ये वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है क्योंकि हमारे भाई वेजिटेरियन है, और मुझे भी पिज़्ज़ा जब भी खाना हो मैं वेजिटेरियन ही खाता हूँ। तो या एन्जॉय द पिज़्ज़ा, एन्जॉय द ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। पिज़्ज़ा खा लिया भाई हमने, और बिल आया है $50, और पिज़्ज़ा ठीक ठीक था, बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत बेकार भी नहीं, अच्छा था, कुछ डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा चीज़ थी लेकिन, और खा सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत फेमस है। तो अब हो गई है रात, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, नमस्ते, जय हिंद।